देखिए कितने सुंदर फूल आए हैं इसमें। ये गुलमोहर है या कुछ और, मैं कंफ्यूज हूँ। अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करें इस फूल का क्या नाम है। देखिए कितने खूबसूरत आए हैं फूल इसमें। तो गुड मॉर्निंग जोहार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं तोड़ने जा रही हूँ कुंदरू, अगर आया हो तो। मैंने कल तोड़ा था कुछ, तो आज मैं देखती हूँ अगर कुछ छूटा होगा, एक आध दो तो है ना, क्योंकि मैं कल सारा तोड़ के नहीं ले गई थी, कुछ कुछ छूटा है, तो मैं देखती हूँ मुझे कितने मिलते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। ठीक है, मैं झाड़ी भी निकाल रही हूँ साथ साथ, मतलब मुझे ज़्यादा नहीं मिले, एक दो मिले हैं कुंदरू तो। और नीचे में ना बहुत झाड़ी हो गया, तो मैं निकाल रही हूँ। रोज रोज निकालने होंगे थोड़े थोड़े करके, क्योंकि एक साथ, क्योंकि बहुत बड़ा है ना ये बागान, एरिया बड़ा है। बागान बोलने से क्या है कि ज़्यादा कुछ तो लगा नहीं है, कुछ कुछ ही है, बट तो एक साथ हो नहीं पाएगा। कुछ दिन पहले बाबा निकाले थे, लेकिन घास वगैरह, लेकिन क्या है बरसात का सीजन है तो जल्दी ही फिर उगाते हैं, और बहुत सारा झाड़ी हो जाता है फिर तो। और झाड़ी होने पर सांप वाप का डर रहता है, तो कम से कम साफ कर दूं। कुछ कुछ मिल रहे हैं पर ज्यादा तो नहीं है, पर जितना मिलेगा उतना सही, क्योंकि कल का जो मैंने तोड़ के रखा हुआ है वो भी है, तो उसी के साथ बन जाएगा। देखिए ज़्यादा नहीं है, कुछ घास मैंने निकाल के इस तरफ रख दिए हैं और कुछ इस तरफ। देखिए मुझे घास निकालते निकालते ये मिला भिंडी, जो घास सबके ये में था, अंदर में था, जो दिख नहीं रहा था, है ना, पूरा घास सब इसके चारों तरफ निकल गया था, उग गया था बड़ा बड़ा। जो भी जब मैं इधर घास निकालते निकालते आई तो मैंने देखा कि भिंडी फला हुआ है, तो देखती हूँ, लग तो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा, ये तो खाने लायक है, पर ये दोनों शायद बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब बूढ़ा हो गया, तो हाँ ये तो ठीक है, इसको नहीं तोड़ते हैं हम लोग, ये तो खाने लायक है, मैं इसे तोड़ के ले जाती हूँ और वो काम आएगा कभी बीज के लिए, है ना, अगली बार लगाने के लिए कम से कम। तो ठीक है चलिए, तो काफ़ी साफ हो गए, कम से कम इतना भी रहेगा साफ तो। कुछ अगर कीड़ा मकोड़ा होगा तो दिख जाएगा, सांप वाप भी होगा तो, है ना, तो रोज़ रोज़ निकालने होंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है इस तरफ। कुछ यहाँ पर मैंने जमा कर दी, ये ना साग है, गंधारी साग, वाइट वाला होता है ना, वो काफ़ी बड़ा हो गया है, वो गंधारी नहीं भी है तो उसी टाइप वाला है ना, जो काफ़ी बड़ा हो जाता, कुछ कुछ काफ़ी बड़ा हो जाता है, कुछ तो छोटे छोटे ही रहता है। सारे निकाल दिए क्योंकि झाड़ी हो गया था। काम करते करते ब्लॉगिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है, एक हाथ में
फोन और एक हाथ सिर्फ फ्री है आपका काम करने के लिए। धूप बहुत चढ़ गया है तो इसलिए गर्मी भी बहुत है, क्योंकि धूप में मैं कर रही हूँ ना काम। तो ये देखिए, ये नेनुआ का पौधा है, पौधा बोल रहे हैं, बेल है, और ये अंगूर का है। मैं दिखाती हूँ, अंगूर का बेल है। तो क्योंकि यहाँ झाड़ी हो गया इसलिए थोड़ा बहुत मैंने अभी अभी दिखाया, जो झाड़ी ना मैं वही साफ़ कर रही हूँ। मुझे लगा कि मैं थोड़ा बहुत साफ कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि झाड़ी बहुत हो गया है। हालांकि धूप बहुत चढ़ गया है, पर फिर भी थोड़ा सा। साग है। हाँ, लेकिन बहुत झाड़ी हो गया है ना। एक भिंडी और कुछ कुंदरू हो जाएगा, इतना ही है ना फल वाला। तो चलिए, आज के लिए काफ़ी है घास निकालना। धीरे धीरे वो तो निकालते ही रहना होगा, क्योंकि अभी बारिश का सीजन है। हर सप्ताह फिर पड़ेगा फिर निकालना होगा। तो एक दिन में सबको निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे करके ही होगा। चलिए, और ये अपना कालू हमेशा की तरह आराम फरमाते हुए, देखिए उठाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, सो रहा है ये बच्चा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।